कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-07 में डिस्ट्रॉयर नजर का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, 30 साल से देख रहे हैं सभापति महोदय, हम लोग छात्र जीवन से प्रौढ़ावस्था में आ गए, जेल में अंदर बाहर आने जाने का खेल देखते हुए, और अब हमसे कहते हैं कि 2014 के बाद ये है। वास्तविकता ये है कि संविधान के साथ खिलवाड़ सदैव इन्होंने किया है। हम राष्ट्रपति महोदय ने ये शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और शून्य वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को, वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और शून्य वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी, एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही है, कितना बड़ा नजारा बदलने के बाद भी जिनकी नजरें ही ना हो उनको नजारा कैसे नजर आ सकता है ये समझा जा सकता है। एक दौर था जब हम IMF जैसे संगठनों से चैरिटी एक्सपेक्ट करते थे, हम उनके सामने याचक बन के खड़े होते थे, और आज IMF की चीफ ये कह रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में याचक नहीं उसका संचालक बन के खड़ा हुआ है। यह बात राष्ट्रपति महोदय के उस बात से बहुत स्पष्ट होती है। हमारी सरकार ने जो नालंदा का पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया है वो भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का, मगर सभापति महोदय जब भारत की सांस्कृतिक चेतना की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे मन में नालंदा, बोधगया और उसी के साथ साथ भव्य श्री राम मंदिर का विषय भी आता है। परंतु इस बार बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है, क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए All eyes should be on Rafa, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए All eyes should not be on अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए, अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं, देखिए साहब आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था।